अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे आम का कुचा। तो आम को मैंने इस तरह से छील के इसे पतला पतला स्लाइस में काट लेना है। तो आपने देखा कि आम को हमने धो के इस तरह से पतला स्लाइस में कट कर लिए। आम का कुचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मसाला लिया है, लहसुन, हरी मिर्च है और नमक, हल्दी, हींग। बस कुचा बनाने के लिए इतना ही चीज जाएगा और तेल। तो सबसे पहले हम लहसुन मिर्ची को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लिया। कटे हुए आम में डालेंगे हल्दी पाउडर और ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इसमें डालेंगे हींग, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसमें डालेंगे कलर आने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे डाल देंगे कांच के बयाम में। इस तरह से इस बयाम में डाल दें सबको। दो दिन के लिए आप इसे धूप में रख दें। दो दिन के बाद आपका आम का कुचा बनकर तैयार है। आम का कुचा बनाने में कोई वक्त नहीं लगा, टाइम नहीं लगा। आप झटपट से आम का कुचा बना सकते हो। आप भी इस तरह से बनाएं, दाल रोटी, चावल रोटी, किसी के भी साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।